As it was expected, just 53 बॉल्स, थोड़ा सा और खींचते तो नेट रन रेट इनका पॉजिटिव में आ जाना था। आपको हमने बताया था हाफ वे स्टेज में जब मिड इनिंग में हम आए थे, इनका नेट रन रेट -0.975 था आई गेस। तो वहां से ये लिफ्ट कराते कराते अपना नेट रन रेट उठा के ले आए हैं जनाब -0.074, 0.900 का इन्होंने बीच में से कमी की है और वो डाल दिया गुजरात के खाते में। आप जाएं और आपका हिसाब किताब जाने, थोड़ी सी और बेहतरी ले आते तो पॉइंट टेबल पे 9वें से डायरेक्ट पहुंचे छठे पे, एंड वुड यू बिलीव 5वें पे भी जा सकते थे कि अगर नेट रन रेट थोड़ा सा और इनका बेहतर होता और ये लखनऊ को भी पीछे छोड़ सकते थे। हाँ, मैच एक ज्यादा होता वो एक अलग बात है, लेकिन पॉइंट्स के एतबार से बराबर होते। नेट रन रेट अब सेपरेट कर रहा है नंबर 5 और 6 को और 7 को भी, क्योंकि गुजरात, दिल्ली और लखनऊ के अब तीन तीन मैच जीत के 6-6 पॉइंट हैं। नेट रन रेट ऊपर नीचे इनको हिसाब किताब कर रहा है और गुजरात टाइटन ने अपने साथ आज बहुत ही ज्यादती की है, बहुत ही ज्यादती, इतनी ज्यादती कि अब 10 टीमों में से सबसे कम और माइनस और घटिया नेट रन रेट उनका है। वो आरसीबी को भी पीछे छोड़ गए, आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए। तो बहुत बुरे हालात हैं उनके। अच्छा किया दिल्ली कैपिटल ने, कोई बेवकूफ ही होता कि जो इसको लिंगर ऑन करता रहता चुपके, धीरे धीरे से खेलते रहते और जाके 12वें 13वें 14वें ओवर में जाके जीत जाते, तो क्या कर लेते भाई, क्या फायदा हो जाता उसका। बेहतर यही है कि व्हेन यू गेट द अपॉर्चुनिटी टेक इट। और शाय होप ने भी छक्के मारे दो, 10 गेंदों पे 19, वो ओपनर भी 10 पे 20 होता, हम लाइव ही थे जब वो आउट कर होके गया। पॉरेल भी अच्छा छक्का मारा, तो ऋषभ पंत ने रशीद खान को, तो यही तरीकाकार था कि इनको आप जल्दी से जल्दी ये टोटल हटाएं और 25-30-35 रन की एक पार्टनरशिप और कहानी खत्म। तो बहुत अच्छा ये फैसला इन्होंने किया कि जी हम तेज खेलेंगे और मैच जीतेंगे। इसके दो फायदे, एक तो नेट रन रेट इनका इंप्रूव होना है और तेज खेलने का फायदा ये था कि अगली टीम को मौके ही ना मिलता कि भाईजान हमने करना क्या, ये तो खत्म हो गया, हमारे रन ही खत्म हो गए, पहले 89 किया हुआ, उन्हें पहले ही नहीं पता था क्या करना है। तो तेज खेलने का ये फायदा कि अगली टीम को बिल्कुल भनक भी नहीं लगती और आप काम तमाम। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की कल से सीरीज हो रही है जी, 5 T20 मैचेस की। न्यूजीलैंड के अब जो बच्चे खुचे रह गए हैं, कोई प्लेयर, कोई नए या उनके डोमेस्टिक में कोई अच्छा जो परफॉर्म करते हैं, वो उन्होंने भेज दिए हैं, क्योंकि 8-10 बंदे तो उनके आईपीएल ही खेल रहे हैं। एक दो जो अच्छे थे वो अभी इंजर्ड भी हो गए, वो जनाब फिन एलन और दूसरा भी एक था दो इंजर्ड हो गए, एडम बनाते एडम मिलने, तो जो अच्छे थे वो एक दो इंजर्ड भी हो गए। तो बिल्कुल बच्चा पार्टी आए हुए हैं। कल से मैच है, उस पर भी गुफ्तगू होगी। बाबर आजम और ब्रेसवेल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्या बातें कही हैं, उस पर भी हम थोड़ी रोशनी डालेंगे। तो जी मोहसिन अली साहब, बहुत ही खड्डे में डाल दिया गुजरात टाइटन को और डिजर्व भी करते थे। 89 रन पे क्या आपने करना भाई, आप खेलने आए हो, मजाक चल रहा है ये। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, नमस्कार। मेरे हिसाब से इन्होंने कोई 10-12 बॉले ज्यादा ले लिए हैं। मैंने आपसे कहा था 7 ओवरों में जीतना चाहिए, इन्होंने 8.5 ओवर 53 बॉले 67 बॉले पहले जीता। ठीक खेले है वो, फ्रेजर भी ठीक खेला है, शाय होप भी ठीक खेला है, पुरैल भी ठीक खेला है, और पृथ्वी शाह को जरा बाउंसर पड़ गया, वो भी ठीक ही खेले हैं, सारे ही ठीक खेले हैं। आखिर में पंत ने भी राशिद को छक्का मार दिया, सुमित साहब ने भी 1-2 चौके मार दिए, तो टाटा बाय बाय हो गए। देखिए, आप जब इस तरह की परफॉर्मेंस देंगे ना, ये सिर्फ हार नहीं आती, ये आपकी बॉडी लैंग्वेज की भी तबाही और बर्बादी। जो हाल डीसी का था, फिर आरसीबी का हुआ, वो हाल इस वक्त गुजरात का हो गया। जो लोग बहुत आसमान पे थे कि हार्दिक के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, हार्दिक की ऐसी हार्दिक की वैसी, गुजरात ये है गुजरात वो है, जय शाह की है, जय शाह कर लेगा, जय शाह के इलाके की है, जय शाह का शहर है, जय शाह यूं कर देगा, फलाना यूं कर देगा। तो भाभी आप भी आपके सामने हो गया है कि कोई भी कुछ नहीं कर पा रहा। अच्छा देखिए, हार तो रहे हैं, सिचुएशन भी बड़ी खराब थी, पिछला मैच भी है राशिद खान ने फ्रॉम नो एयर निकाल लिया। बॉडी लैंग्वेज देखे, आपकी दिल मुस्कुरा रहा है,
Muller, rather than being concerned and showing displeasure, is laughing that जैसे कि कोई बड़ा कमाल करके बड़ा जैसे कमाऊ पुत आता है ना कि आज चोर साहब तशीब लाए ने मजा नहीं आया बिल्कुल कोई बॉडी लैंग्वेज नहीं वो देखे वो संदीप जैक्सन साहब लातों पे छक्के खा रहे हैं ठीक है उन्होंने विकेट भी तोड़ दी आउट भी कर दिए ये बात सही है तो तीन आउट कर गया वो लेकिन रिजवान साहब 40 प्लस रन और जब आपका स्कोर है 89 और तीन ओवरों में आप इतने रन यानी के आप कोई 14 के करीब पर ओवर में उन्हें चाहिए थे रिजवान साहब कोई 4 रन पर ओवर 4.5 कर लें और जनाब आप दे रहे हैं 14 रन प्रति ओवर फी घंटा की रफ्तार से रन दे रहे हैं कोई बॉलिंग नहीं जॉनसन भी अजीबो गरीब बॉलिंग कर रहा है चलो राशिद और नूर अब आप उनको 88 रन पर कितना एक लोगों को आप ब्लेम करेंगे राशिद ने छक्का भी खाया फिर भी सिर्फ 12 रन दिए बैटिंग डिस्प्ले बाय गुजरात टाइटंस नो गेम प्लान जीरो गेम प्लान इट वाज लाइक अ कंप्लीट हॉलिडे आज वो राम नवरात्रि थी ना, ना थी तो इन्होंने कहा जी भगवान राम के खुशी में हम कुछ नहीं करते क्योंकि गुजरात वाले जरा फेस्टिवल्स बड़े जबरदस्त फेस्टिविटी जब भी आती है ये चाहे गरबा खेलना हो चाहे वो क्या जलेबी फाफड़ा खाना हो तो चाहे रन खाने हो ये हर चीज में माशाल्लाह नंबर वन है तो नंबर वन के बरकरार रखते हुए रिवायत दबा के कुट खाई है 53 बालों में 6 विकेटों से बड़े सुकून से दिल्ली कैपिटल ने इनको लंबा डाला है और वो रिकी पॉन्टिंग भी कह रहा है और नाटू 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 रे और नाटू ना तो इस बार रिकी पॉन्टिंग बड़ा खुश है और हम लाइव ही थे तो गंगुली साहब का जो मुस्कुराहट है वो नीचे जमीन तक आ रही थी इतना वो खुश थे कि ले भाई आज तो हमने लंबा डा देखिए बैक टू बैक जब विक्ट्रीज आती है इट इज ऑलवेज वेरी वेरी इंकरेजिंग एंड आज देखें ये टेक्निकली बहुत ज्यादा आज और बैकफुट पे चले गए थे कि वार्नर जैसा बैट्समैन भी नहीं था अभी देखें पुराल वगैरह बेचारों को अभी कुछ जिस्म जिस्म बनाने की जरूरत है बॉलर की बात ठीक लेकिन वो बॉलर्स ने खत्म कर दिया ना मैच तो वार्नर की कमी महसूस हुई 89 रन्स में आप कितना एक बॉलर को कितना एक रगड़ेंगे बॉलर्स ने मैच खत्म कर दिया और बैटिंग की तो बारी जब आती जिसने मुझे परोती लाल बोला वो 8 ओवर में हार गए और वो भी दिल्ली कैपिटल से हा 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 कौन है जी असली बोलते हा 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 वन थम्स आउट टू मिस्टर जीपीआर बस जी दिल्ली कैपिटल मेरा ख्याल है वो निकाल ही लूं शाम वाला मेरा ख्याल है इन्हें अच्छी तरह नहीं भी थोड़ी देर आने देता हूँ फिर इन्हें नींद आ जाती आए आए जी 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 मिस्टर भगोड़ा मल साहब नहीं देखो टाइम तो सोने का ही है समीर का लेकिन वो आज मैच जल्दी खत्म हो गया ना तो टाइम बच गया भाई बहुत तो अच्छी बात हो रहा है लेकिन मैं कहता हूं इन्हें आना चाहिए हारने के बाद भी आना चाहिए देखिए हार के बाद भी आना चाहिए आप लोग दिल छोड़ देते हैं मैं 89 पे तो दिल छोड़ना ही है लेकिन मैं जाती तौर पे समझता हूं कि बड़ा अच्छा टूर्नामेंट के लिए रादर देन आप अर्ली स्टेजेस में अब देखें आरसीबी है नजर आ रहा है इवन डीसीबी आप देख लेना जब इनका मैंने आपको जब हम आए थे आज दिन को उसी शो में कहा था कि दिल्ली कैपिटल क्योंकि गुजरात मेरी टीम है ऑब्वियसली लेकिन दिल्ली कैपिटल जिन टीमों को टारगेट करे उसमें गुजरात की टीम शामिल है क्योंकि गुजरात की टीम वर्नेबल है इतनी तगड़ी नहीं है हाँ आज वार्नर भी नहीं है तो चले 58-60% आप गुजरात घर में भी खेल रहा है दे दें लेकिन ये देखे हार और जीत ऑब्वियसली एक हारेगा एक जीतेगा लेकिन ये जो मिस्टर पनौती लाल है इनकी तरह नहीं कि मैच का इन्हें पता कुछ नहीं मैच ये देखते नहीं है और फिर वो इन्हें चाहिए ये चैनल खोल लें कसम से ये सबसे ज्यादा कामयाब क्योंकि इतना पलटते हैं इतना इतना झूठ बोलते हैं कि लोग समझेंगे सच है तो ये आप चैनल बनाए समीर साहब ये डॉलर आप उधर से ज्यादा कमाएंगे मैं गारंटी देता हूं पॉइंट वाइजन चेंज किया आपने कि नहीं ये बताएं पहले 18-14 हो गया माशाल्लाह मैं तो 17-14
भजन ये जो पनौती लगी है ना परसों, वो भी करीब मैच था, जो कल है ये तो मेरा जीता हुआ मैच था, जो जनाब ठुस हो गया, मुझे था कि ये रन इन्होंने कम किए हैं और एंड में ये मारे जाएंगे, और मुझे लग रहा था ये 50-50 है, और वही हुआ। देखें कि वो मैच जीता हुआ मैच जो है बटलर इनको दिखा गया कि ओ मिस्टर अय्यर ये है। अच्छा ये बड़े मजे की बात है, ये रोहित और विराट की बात करते हैं, क्या राहुल है, अय्यर है और कहीं है, ये उस तरह भी इनके पर चल जाते हैं। इनके बड़े बड़े यूट्यूबरी जो है वो, या छोटे छोटे यूट्यूबरी जो है, या जल्दी जो है, ये खुल के दो तीन प्लेयरों को रगड़ते हैं बाकियों की तरफ, यह क्योंकि इन्हें पता है वो सेलेबल आइटम नहीं है। तो भाई अय्यर ने 38 में 38 किया, 7 में 11 किया, हर दफा बैट पकड़ता है ऊपर आ जाता है, वो कोई कुछ नहीं बोलता, बोला करे ना। I think Delhi Capital is in playoffs for sure. Gujarat Titan out. माजरत. Gujarat Titan तो देखें अभी तो वो मैच हार रही है, तो माजरत जाहिर है, ठीक है बात कर ले। पहला या दूसरा मैच तो जीती, आज हार गया। हाँ तो उनका दूसरा मैच था मेरे ख्याल में, तो तब मैंने तो कहा था मुझे तो नहीं लगता कि ये टीम जाएगी Gujarat Titan प्लेऑफ में, तो अब देखो फिलहाल तो वो बुरे हालात हैं। गुजरात टाइटन का कोई ऐसा प्लेयर भी नहीं है कि जो आएगा और आके कुछ कमाल दिखाएगा, सिर्फ शमी जो इंजर्ड है, बाकी तो आएगा ही नहीं ना, ऐसा प्लेयर कोई नहीं है। जैसे दिल्ली में तो वार्नर और मिचेल मार्श आ सकते हैं, पहले मैच के बाद देखिए, पहले मैच के बाद बड़े मीम्स भी बने, बड़े ये वो के नेहरा फोटो के ऊपर डाला, हाँ भाई छपरी तू क्या सोचता था, तेरी वजह से जीत रहे हैं, मेरी वजह से जीत रही है ये टीम। तो आप छपरी वाले जो कहते हैं उनको चाहिए शर्म से कहें कि वाकई तेरी वजह से जीत रहे थे, और ये खेलकर रचा गया अंबानियों का, वरना वो मुंबई में भी वो उतना ही कामयाब होता जितना वो गुजरात में कामयाब था। तो फर्क पड़ता भाई, एक अच्छा आपका एस्टेब्लिश खिलाड़ी है, उसने बड़ा अच्छा लीड किया इनको, ठीक है नेहरा की भी आउटपुट इनपुट होगी, लेकिन बात ये है कि नेहरा तो मौजूद है, टीम मैनेजमेंट भी है, कैप्टन भी नया है, अब ये नहीं है कि नारियल पानी, टॉप फोर में से तो नीचे जाता ही नहीं था, टॉप फोर में से तो नीचे मैंने कभी देखा ही नहीं इनको पिछले दो सीजन में, तो अभी मतलब टॉप फोर में जाने से ही, मतलब कभी शुरू के एक दो मैच में शायद चले गए हो तो, उसके बाद तो नीचे ही नीचे, पांचवें फिर छठे और नीचे नीचे से काम चल रहा है, अब सातवें पे पहुंच गए हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि पॉइंट्स टेबल पे सातवें नंबर पे कभी भी पहुंचा होगा गुजरात टाइटन, दिस इज प्रॉब्ली द फर्स्ट टाइम दे रीच एट नंबर 7, तो मुश्किल है जी गुजरात टाइटन के हालात, और दिल्ली कैपिटल अगले 7 में से 5 मैच जीतने पड़ेंगे इनको, जो कि मैं समझता हूँ टफ आस्क है इनके लिए, और 3 मैच इन्होंने जीत लिए हैं बहुत अच्छा, ये वाला मैच तो वन साइडेड ही जीत लिया, और एक CSK को भी बहुत अच्छा मैच इन्होंने मारा था, बहुत अच्छा, धोनी ने आके 37 रन तेज बनाए, लोगों को खुश किया, तो मैच वो ठुक गया था इनको, तो दिल्ली कैपिटल के आप बाकी 8 में इनको 7 में से 5 एटलीस्ट मैच और जीतने, कम से कम 5, 4 जीत के मुझे नहीं लगता कि 7 जीतों के साथ कोई टीम आगे जाए शायद, तो 8 के साथ तो जाना पड़ेगा, तो इट्स इम्पॉसिबल तो नहीं है, इट्स वेरी टफ आस्क, and I also don't see Delhi Capital to go into the playoff. तो ये दोनों टीमों का जो आपने लिखा है मुझे तो नहीं लगता कि ये जाएंगी, और जी आपको क्या लगता है मोहसिन साहब? देखिए जी मेरी तो दोनों टीमें नहीं जाएंगी, ये तो नजर आ रहा है मुझे, मिडवे में मुझे पता लग गया कि मेरी दोनों टीमें जो है ना ये नीचे वाली 4 में जाएंगी, ऊपर वाली तो 4 में नहीं जाती लगती, मैं जो हालात लग रहे हैं मेरी टीम के। देखिए जो दिल्ली कैपिटल है, इफ दे कंटिन्यू टू परफॉर्म लाइक दिस, प्ले गुड क्रिकेट, यू नेवर नो, रिजवान साहब ऊपर से कोई फ्लॉप हो जाए टीम, जिसके चांस बहुत कम है। देखे सनराइजर KKR, बेशक कल KKR आ रहा है, बट सनराइजर KKR 2, अपना CSK 3, अपना क्या नाम है RR 4, मुंबई इंडियन 5, लखनऊ 6, मेरा जाती ख्याल है रिजवान साहब ये 6 टीमें तो हिलने नहीं देंगी,
पंजाब भी उसी कैटेगरी में है कि बड़ी अच्छी टीम है, सिर्फ वो टीम को सही तरह लड़ा नहीं रहे। अगर ये धवन कुछ मैच और बाहर रहा और इसको मौका मिल गया सैम को और दो चार मैच करने का, मैं आपको बताऊं मुझे पंजाब से बड़ी उम्मीद है कि ये बड़ी अच्छी तगड़ी फाइट कर सकती है। जहां तक बात आरसीबी की, अगर वो एक आध मैच और जीत जाए, यही एक बड़ी सिग्निफिकेंट उनकी जो है ना अचीवमेंट होगी। दिल्ली दिल्ली शायद कोई दो तीन मैच और जीत जाए रिमेनिंग सेवन में से, लेकिन सात में से ये पांच मैच बड़ा ही मुश्किल लगता है। ऐसा ही है, ऐसे ही लग रहा भाई। हेलो ब्रदर्स, मोहसिन भाई लुक्स हैंडसम टुडे, रिजवान भाई ऑलवेज कूल डूड, ट्रैवलिंग इन ट्रेन, मैच नहीं देखा दो दिन से, हैप्पी फॉर दिल्ली कैपिटल, लुक फॉरवर्ड टू पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड, होप न्यूजीलैंड विल फाइट। लग रहा हूं मिस्टर रिंकू मितेश साहब कि आई एम प्रिपेयरिंग एंड ब्रेसिंग माय सेल्फ फॉर टुमारोज एनकाउंटर, and I am an encounter specialist when it comes to encounters. So I am already enjoying ke kal ke bacche bhi honge, hum bhi honge aur sawalat honge. To main usko soch ke aaj Rizwan sahab abhi mujhe keh rahe hain aap gaye nahi press conference pe. Maine kaha fir ye dono show miss ho jate. Agar main jata kyunki 8 baje ki grip thi press conference, fir ek del ghante ka route lag jata hai to 10 11 baj jate mujhe aate aate. कल से तो देखिए एक प्रॉपर वजह है कि मैच है, आज से वो ये उम्मीद नहीं थी कि 88 पे, अगर मुझे ये पता होता ये 88 पे आउट हो जाएंगे तो मैं भी मैं ग्राउंड चले ही जाता। हाँ तो कल से अच्छा होना चाहिए। वो जो लड़का है रॉबिन्सन इज गुड, चैपमैन इज गुड, ब्रेसवेल इज गुड, देखिए नीशम ओकेजनली इज गुड, तो यू नेवर नो। मैं एक बात तो आपको आज बता रहा हूं जो मैंने महसूस की है, क्योंकि मैं कल भी ग्राउंड गया था, आज भी मैं टीम होटल गया था, ये झूठ बोल रहे हैं आपके कप्तान बाबर आजम और जो भी कह रहा है कि ऑल इज वेल इन द टीम, देर इज नो क्या कहते हैं डिवीजन और नो जिसे कहते हैं कोई बीच में कोई कंस्पिरेसी नहीं है, कोई दे आर लाइंग। टीम बकायदा तौर पे तीन हिस्सों में बटी हुई है, तीन हिस्सों में बटी हुई है। एक हिस्सा है जिसमें ये वाब रियाज एंड कंपनी और कुछ फॉर्मर पाकिस्तानी प्लेयर भी हैं और वो शदीद खिलाफ है, एज ए बाबर पर्सनली बाबर के खिलाफ है। नंबर टू शाहिनशाह अफरीदी, शाहिद अफरीदी, हफीज एंड कंपनी, मिसबा, इवन इनको दर पर्दा जो है वसीम अकरम की भी सपोर्ट हासिल है। और जो तीसरा कैंप है ऑब्वियसली वो बाबर आजम का कैंप है। अच्छा कुछ लोग समझ रहे हैं, अभी तस्वीरें आई हैं रिजवान और बाबर बड़े जप्पे जप्पे चल रहे हैं, शदाब वगैरह, ये उनकी गलत फहमी है। शदाब वहां होगा जहां सकलैन होगा, सकलैन मुश्ताक का पूरा पलड़ा शाहिद अफरीदी के उसमें होगा और शदाब माइनस हो गया, पीछे रह गया रिजवान। रिजवान देखे एक बात मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, किसी को अगर इस पे नाराजगी है एतराज है तो मैं माजरत कर लेता हूं, पख्तून सबसे ज्यादा यूनाइटेड होते हैं, व्हेन इट कम्स टू पठान दे आर वेरी यूनाइटेड। रिजवान साहब दुनिया इधर से उधर हो जाए वो एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं, एक दूसरे का साथ देते हैं। अब आप कहेंगे आपस में लड़ते हैं ना, वो आपस में लड़ते हैं, मेरे खिलाफ अपने अब मेरे साथ आके अपने को नहीं गिराएंगे नीचे। तो ये बकायदा मैं आपको बता रहा हूं तीन पार्टियां हैं। और मैं आपको एक और बड़ी खबर दे देता हूं कि जो मोहसिन नकवी साहब हैं जो चेयरमैन है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, वो उनके साथ भी गेम हो रही है, उनको भी पता शता कोई नहीं है कि कौन क्या कर रहा है। वो समझ रहे हैं वहाब रियाज कोई रस्तू है, कोई तुर्रम खान है, कोई नन्हे खान है, कोई फने खान है, उन्हें यही नहीं पता वहाब रियाज के कोई सॉलिड बैकग्राउंड नहीं है। मैं कंप्लीटली रबिश कहता हूं बाबर आजम की ये बात कि टीम यूनाइटेड है, 12 मैच हैं और हम देखिए कल अजहर महमूद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, कल हम बात नहीं कर सके, उसने कहा कि टीम के बैलेंस के लिए हम टफ फैसले करेंगे और अगर बाबर आजम टीम की उसके अंदर नहीं फिट इन हो रहा तो हम कप्तान को बाहर बिठा देंगे। रिजवान अगर आज तक
पाकिस्तान की हिस्ट्री में आपने कभी किसी कप्तान के लिए किसी भी कोच से किसी भी पीसीबी ऑफिशियल से यह नहीं सुना होगा कि हम कप्तान को बाहर बिठा देंगे। आपने ये तो जक्का अशरफ के दौर में सुना कि ये और मिक्की आर्थर जिम्मेदार है, हमने फ्री हैंड दिया, हमने इंजमाम को फ्री हैंड दिया, उसने मिक्की आर्थर को फ्री हैंड दिया, हमने बाबर को फ्री हैंड, ये बयान आए हैं। ये बयान पाकिस्तान की क्रिकेट, पता नहीं किसी ने इस सवाल को इग्नोर कर दिया, उठाया नहीं, पाकिस्तान की क्रिकेट की हिस्ट्री में ये कभी नहीं हुआ कि कप्तान जो चाहे जितना भी टट्टू हो, जितना भी बुजदिल हो, जितना भी पर्ची हो, जितना भी सिफारशी हो, जितना भी हल्का हो, जितना भी वेला हो, कप्तान के लिए आज तक ये लफ्ज नहीं यूज किया गया जो कल यूज हुआ है बाय द टीम्स कोच। क्या अगर टीम की बैलेंस नहीं बन रहा हुआ तो हम बाबर आजम को बाहर बिठा देंगे, ये बहुत बड़ी बात है। मैं हैरान होता हूँ वो अब मेरे ख्याल में जो मुझे समझ आई कि 5 मैच हैं तो उसमें से इन ऑर्डर टू गिव चांस टू अदर्स, तो अगर बाबर को भी बाहर कोई मैच में बिठाना पड़ा तो हम सोच लेंगे बाहर बिठा देंगे। नहीं, 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 नहीं। वो वरना भी ये क्लियर करता कि हम इसे रेस्ट देंगे, उसने कंपोजिशन लफ्ज की यूज किया कि टीम के बैलेंस के लिए अगर हमें कप्तान को भी बाहर बिठाना पड़ा तो हम बिठा देंगे। ये बड़ा, अगर वो ये बात जो आप कर रहे हैं तो नॉर्मल है, जैसे मैचों में रेस्ट दिया गया, इट मेक सेंस कि आपने क्लियर कर दिया और ठीक कर दिया। हाँ तो मुझे तो ये समझ आई है, बाकी आई डोंट नो। मनोहर की तो यहाँ पे 160 तक टोटल इनको खींच के, मतलब ठीक है यार, पहली टीम तो नहीं है जो 3-4 आउट हो गए पावर प्ले में। गेम को आगे लेके जाओ, आखिरी ओवर तक प्लान करके हमने खेलना है तो कुछ ना कुछ करना चाहिए। कल बटलर आखिरी 50 रन अकेला कर गया, कुछ भी मतलब हो सकता है यार, कोई तो बंदा थोड़ा सा अपने आप को चांस तो देता है। ये बिल्कुल ही लेट गए, हथियार डाल दिए इन्होंने, कोई अब देख ले पिच में क्या पूरे कर दिए 90। गुजरात एज ए यूनिट नहीं खेल रही, दे आर प्लेइंग लाइक अ बंच ऑफ इंडिविजुअल्स, इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस की वजह से ये जीत रहे हैं, ये एज ए टीम नहीं जीत रहे। और पावर प्ले में सबसे कम रन इनके होते हैं, ये 45-50 रन करते हैं बड़ी मुश्किल से। ऐसा नहीं है कि फ्लाइंग किस्म का ये स्टार्ट दें। उस दिन भी चलो ये मैच जो इन्होंने हरा दिया रॉयल्स को, वो इनकी ब्रिलियंस की बजाय उसकी बेवकूफी थी संजू सैमसन की। वो बेवकूफ आदमी ने बोल्ट के दो ओवर रहते हैं तो उसको ओवर नहीं दिया, तो वो अपनी वजह से मैच हारा है, वरना वो मैच वो अनबीटन ही जा रहे थे। तो वो उस मैच में भी ये देवर बिहाइंड, एंड पे जाके इन्होंने अच्छा खेला, गेल वगैरह करते कराते पूरे किए। तो पावर प्ले में यूजली दे प्ले स्लो, 45-50 रन ये करते हैं, बहुत जिस दिन जोर लगा लें तो 55 हो जाते हैं। तो पावर प्ले में भी हल्का खेलते हैं, एंड पे भी जाके कोई ऑन पेपर भी सॉलिड टीम इनकी नजर नहीं आ रही, कुछ कमी नजर आ रही है। और साहा बुरी तरह आउट ऑफ फॉर्म चल रहा है, जिस तरह 2 साल पहले था वैसा नहीं खेल पा रहा। आज भी आपको लगा अजीबो गरीब सी किस्म से शॉट खेल रहा है। साहिश दर्शन चौके अच्छे मार लेता बीच में, लेकिन जब भी देखो स्ट्राइक रेट 120 का 25 का, तो इतने चौके मारने का क्या फायदा फिर अगर उधर ही है। मतलब मसला क्या है, डॉट बॉल्स बहुत ज्यादा है। तो जब आप 3-4 चौके मार रहे हो तो अगर फिर भी आप देखें जी तो आपने जनाब 10 गेंदों पे 12 किए हैं, 14 किए हुए, तो फिर 4-4, 3-3 चौके मारने का क्या फायदा भाई। सिंगल डबल भी लो, डॉट बॉल की परसेंटेज काफी ज्यादा है, स्ट्राइक रेट इतने चौके छक्के मारने के बावजूद भी वही 120-125 का। गिल पे बहुत डिपेंड कर रही है ये टीम, गिल जिस मैच में बहुत अच्छा लंबा खेलेगा, टिवाटिया इज गुड, लेकिन वो तो आखिरी 5 ओवर में उसको आना चाहिए। जब आप उसको पावर प्ले में भेज देंगे तो फिर क्या करेगा वो। राशिद खान ने ही टेक्निकली पिछला मैच इनको जिताया, वरना 7 में से इनके भी 2 मैच ही होते, 7 में से 2 मैच के साथ ये जाते।
अब साथ में से तीन मैच है तो वो राशिद खान की वो पहला मैच मुंबई ने अपने आप को हराया नहीं तो टेक्निकली साथ में से इनका भी एक ही होता आपस की बात है। हाँ, जो चेन्नई को हराया पिछला राशिद खान जिता के गया है मतलब बहुत अच्छा है उसने मुंबई से जो ये जीते हैं पहला मैच वो भी 48-50 गेंदों पे 60-62 चाहिए था मुंबई लेट गई वहां पे। तो इनके हालात बुरे हैं भाई गुजरात के। ये अब अगले कोई तैयारी करें अगले आईपीएल की, इसमें मुझे नहीं लगता इनका कोई चांस है प्लेऑफ का। विच न्यू आईपीएल इंडियन प्लेयर कैन बी इन द वर्ल्ड T20 स्क्वाड? सिमर सराना साहब पूछ रहे हैं। रियान पराग, मयंक यादव। देखें आप शिवम दुबे तो चलो खेल रहा है ना आजकल, वो तो है टीम में। नहीं अभी वो वापस तो उस तरह तो नहीं ना, वर्ल्ड कप की बात हो रही है तो मैं वर्ल्ड कप पे कह रहा हूँ, ये बायलैटरल का नहीं कह रहा। तो प्राग को वाकई चांस मिलना चाहिए, बहुत अच्छा खेल रहा है मिडिल ऑर्डर में। वैसे भी आपने एक एक्स्ट्रा बैट्समैन तो लेके जाना ही है ना। तरीका ये होता है कि आप 15 में से जो लेके जाते हैं तो एक एक्स्ट्रा विकेट कीपर 11 में खेलता है और एक आपने एक्स्ट्रा रखना होता है। एक आप अच्छा बैट्समैन रखते हैं मिडिल ऑर्डर में, अगर कोई बुरी फॉर्म हो, बुरी फॉर्म में हो गया या हल्का फुल्का कुछ हो गया, इंजरी होगी एक आधे मैच में, तो जो बेंच पे बैठा है वो आ जाए। दो प्लेयर ये हो गए, फिर एक्स्ट्रा एक फास्ट बॉलर आप रखते हैं, स्पिनर, तो इस तरह करते कराते तो एक जो एक्स्ट्रा आपने बैट्समैन तो रखना ही है। तो अगर चलो आप वैसे तो इस तरह की फॉर्म में आप डायरेक्ट 11 में भी डाल दें तो वो अगर इसी तरह की फॉर्म में खेलता रहे तो ही इज अमेजिंग, बहुत अच्छा। बल्कि सुबह ही मौसम भाई आपको बता रहे थे 7 में से 15 ओवर के बीच का जो खेल है उसमें सबसे ज्यादा तेज रन वो ही कर रहा है, सबसे ज्यादा भी रन और तेज भी रन रियान पराग, तो ही इज गुड। मयंक यादव अगर ठीक हो जाता है, फास्ट बॉलर आपको चाहिए, वैसे बुमराह के अलावा कोई एंड पे देखें ना रसल ना रिंकू ना कोई और डेविड वेविड, एंड के जो 4-5 ओवर हैं और डीके सबसे ज्यादा कर रहा है। तो देयर आर क्वाइट अ फ्यू प्लेयर्स, बाकी वो 20 की लिस्ट पता नहीं मौसम भाई को अगर है तो बता दें कौन से 20 हैं, मुझे तो नहीं वो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने लगाई है, उसमें गिल भी है, जसवाल भी है, उसमें राहुल भी है, उसमें रोहित है, विराट है, हार्दिक पांड्या है, अक्षर पटेल है, कुलदीप है, बिश्नोई है, चाहल है, और उसमें जनाब अपना क्या नाम है अर्शदीप है, अवैश खान है, सिराज है, बुमराह है। तो ये टीम है जनाब वो जिसमें मैं समझता हूं कि अक्षर की जगह नहीं बनती, मैं समझता हूं जयसवाल की जगह नहीं बन रही, मैं समझता हूं कि केएल राहुल की तो किसी सूरत, जब आप विराट और रोहित को नहीं लेके जा रहे आप केएल राहुल को कैसे ले जा रहे हैं। सिराज मेरी नजर में सिराज दुबे भी है, उसमें सिराज की जगह नहीं बनती, उसमें पराग आना चाहिए, उसमें रिजवान हैदर माइक यादव को आना चाहिए, उसमें आप अभिषेक देखें, अभिषेक इज बॉलिंग वेल, इज बैटिंग एक्सेप्शनली वेल। देखो यार ये केएल राहुल जैसे प्लेयर आपको मरवा देंगे, वो इतना, और आज देखें ये एक दिन की बात नहीं है, टूर्नामेंट आफ्टर टूर्नामेंट बायलैटरल में केएल राहुल या आईपीएल में जिन, जैसे ही आईसीसी का टूर्नामेंट आता है कोई एक इनिंग मुझे बताएं कि केएल राहुल ने मैच विनिंग इनिंग खिला दी हो जिसमें किसी तगड़ी टीम के खिलाफ, हाँ कोई बकरी टीम के खिलाफ आ जाए तो वो तो बाबर भी कर लेता है और भी कई कर लेते हैं, तगड़ी टीम के खिलाफ स्कोर इसका नहीं आता। और फिर जब आप कहते हैं हमने 13 साल हो गए, 10 साल हो गए, और 2007 और 2024 में रिजवान हैदर साहब कितने साल हो गए, 18 साल हो गए हैं, 17 साल, 17 years since the inaugural World T20 won by Team India, and you are not ready to pick Rohit and Virat just because he बूढ़े हो गए हैं, फलाना हो गए हैं, सूट नहीं। KL Rahul किस तरह सूट करता है? How KL Rahul's game suits a T20 style? How? कैसे? ना ये फिनिशर है, ना ये इनिंग्स बिल्ड करता है, ना ये अग्रेसर है क्या KL Rahul जो कीपर है? ऋषभ पंत उससे 10 दर्जे आगे है और संजू सैमसन भी आगे है, और अल्लाह कसम मुझसे अगर आप पूछे तो डीके इन दोनों से इस वक्त आ गया। ठीक है वो 38-39 साल का है
लेकिन मैरिट पे बात करें ना, अगर आप मैरिट पे बात करें तो ठीक है, इन दोनों से आ गया, तीनों से आ गया। के आर राहुल इज नॉट अ विकेट कीपर। व्हेन टीम इंडिया बैडली नीड के आर राहुल एज अ कीपर, राहुल द्रविड़ साहब कर्नाटका 11 आ जाती है के जी यहां कीपिंग करेगा। व्हेन नहीं करेगा, और जब के एल राहुल साहब फंस जाते हैं अन्ना शेट्टी के जो बेटे हैं वहां पर, फौरन के एल राहुल को विकेट कीपर बना दिया जाता है। डी कॉक सारी जिंदगी विकेट कीपर रहा, उसको आप सिर्फ के एल राहुल को कीपिंग कराने के लिए डीके को आप सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, डीके को आप सॉरी इसको क्या यार वो डी कॉक को, डीके कह रहा हूं, डी कॉक को आप जो है सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। अब यार कोई खुदा का खौफ करें, इस तरह अगर आप अपनी रली मिली गोली पिल्ला खेलते रहेंगे तो फिर खेलते रहे। वेस्ट इंडीज की पिचेस वैसे ही स्लो है, वंस यू आर डाउन, वंस यू आर बिहाइंड द गेम इट विल बी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल अंटिल अनलेस यू हैव फायर पावर। और के एल राहुल और फायर पावर, यह भी वर्ल्ड कप का फाइनल आपने देख लिया है 2023 का 50 ओवर का, अगर अभी भी आपको समझ नहीं आ रही जहां पे उसको एक्सेलरेट करना था वो मसूफ विकेट दे के अपनी चलते बने, अभी भी आपको नहीं समझ आ रही तो आपकी मर्जी है। मोहित कह रहा है भाई आई थिंक इन ऑल न्यू इंडियन प्लेयर्स हु बिकेम कैप्टन रिसेंटली लाइक गेल, गायकवाड, ऋषभ, श्रेयस एंड संजू, आई थिंक बेस्ट इज संजू एंड ऋषभ has more tactics। अय्यर अच्छा कप्तान है, ये बात माननी पड़ेगी। अब वो खुद बल्ला लेके ऊपर आ जाता है, ये एक कसूर है, अदरवाइज अय्यर्स मूव्स आर एक्सीलेंट। ऐसे ही बंदा को रुतराज गायकवाड़ की अपनी मूव्स कम है सीएसके में, ये मानना पड़ेगा। संजू एट टाइम्स बहुत ज्यादा प्रेशर में जाता है, जब मुश्किल वक्त आता है वो ठुस कर जाता है, कल भी वो ठुस कर गया था बैटिंग में भी और उससे डिसीजन नहीं होते। ऋषभ पंत अच्छी कप्तानी कर रहा है, गिल एवरेज है, गिल मतलब ना बहुत अच्छा है ना बहुत बुरा है, इन बिटवीन। सबसे अच्छी कप्तानी मेरी नजर में या अय्यर कर रहा है या पंत कर रहा है। हाँ जी मोहित साहब, उस दिन तो संजू सैमसन ने बेवकूफी वाले फैसले किए तो जो एक मैच हारा है ये, मतलब ठीक है आपके डोमेस्टिक जितने भी अच्छे कोई बॉलर हो वी अंडरस्टैंड, बट बोल्ट का नाम है यार दुनिया में, एक नाम है मुकाम है, इतना अरसा उसने खेल के एक इज्जत बनाई है, तो आप दो ओवरों में उसने 8 रन दिए हुए सिर्फ, तो आपने बाकी दो ओवरों में उसको ओवर ही नहीं दिया और आपकी टीम मैच हार गई, और आप 196 करके मैच हार गई। आज जो टीम 89 आउट पे ऑल आउट हो गया उससे आपने 197 करवा दिए, तो कल की भी कप्तानी इसकी बड़ी माजरत खाना थी। बैटिंग ऑर्डर आप देखे कितना 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 डुबियस बैटिंग ऑर्डर था वो तो बटलर की। बाकी तो चूंकि मैच जीते हुए अब 6 जीत गए शायद, तो एग्जैक्टली मैं इधर देख के बताता हूँ, 6 जीत गए 7 में से 6, तो अब बस 3 मैच होंगे तो 7-7 मैच हर टीम के हो जाएंगे। कल पंजाब मुंबई का हो जाएगा तो उनके भी 7-7 हो जाएंगे, और फिर अगला जो मैचेस हैं तो उसमें भी पता चल जाएगा 7 each हो जाएंगे ऑलमोस्ट सबके। तो संजू इज गुड क्योंकि टीम 6 मैच जीती हुई है, जहां तक फैसलों की बात है तो उसमें कुछ ऐसे डिसीजन है कि जिस पे क्वेश्चन उठाया जा सकता है। माय रैंकिंग इज दिस दैट ऋषभ पंत इज एट टॉप एट द मोमेंट, वो सबसे मेरे ख्याल में अच्छी कप्तानी कर रहा है। बेशक टीम हार, दो अलहदा बातें होती है ना, एक तो टीम सारे मैच जीत जाए तो आपको कहेगा जी कप्तान तो शानदार है लाजवाब है लाइक संजू सैमसन, और बाकी अगर आपकी टीम आज वो तीसरा मैच जीते हैं, इससे पहले 2 ही जीते हुए थे, लेकिन पंत बीच बीच में बड़े अच्छे फैसले कर रहा था, अच्छे डिसीजन ले रहा था इवन इन बिटवीन टाइम। बाबा 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 कम हियर देन कम हियर, ये तो ऐसे है जैसे ढूंढ लिया। हेलो ढूंढ लिया, हाय हाय फाइव, हाउ आर यू, आई एम गुड, लुक देयर, हाउ डू यू नो दैट आई एम हियर, यस
Okay, bye. Say bye bye. Say bye bye. Very, very hard, Mr. Rizwan. It's impossible. नहीं दरवाजा खोल के आई या भागते भागते के ढूंढ लिया मैंने अपने बाप नहीं उसके बाद क्या किया पापा 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 ओके ओके यू गो डाउन आई एम कमिंग डाउनस्टेयर्स ओके लुक देयर ओह दैट्स कलरफुल गिव इट टू हर गो 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 आई एम कमिंग ओह भाईजान ये तो मुझे खींच के आके ले आ रहे मैं इसको नीचे छोड़ के आता हूँ भाई अभी जान छूट गया अभी आप इसको लगाए क्वेश्चन लगाए अल्लाह पाक मंत्री साहब आ गए भाई एट माय डीजा हाउस थ्री डाउन डीसी जिंदाबाद डीसी नाउ गाड़ देंगे भुर्रा हम जीते ना जीते दूसरों के साथ ले जाएंगे वाह भाई वाह अनुपम साहब मैंने शाम में ही आज आपको बड़ी दुआएं दी हैं और मैंने कहा आप बड़े लकी हैं और कि आप हालांकि वहां का जो यूएई का वेदर है स्पेशली दुबई का बुरा हाल है शुक्र है आज मार में हालात कुछ बेहतर हैं लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच गए जी बिल्कुल आपने भाईजान आपके जीजा जी को भी हमारा नमस्ते कहे और भाईजान बात यह है कि वाकई आपकी डीसी जिंदाबाद है आपने आज गाड़ दिया फाड़ दिया उड़ा दिया लिटा दिया भगा दिया सुला दिया जैसे मिस्टर पनौती लाल भागते हैं अभी आज बड़ा खुश है पनौती लाल साहब कि उनकी टीम जीत गई है तो बाकी अपना अनुपम भाई बहुत अच्छा किया आज आपकी टीम ने मेरा ख्याल है इस टूर्नामेंट में सबसे अच्छी परफॉर्मेंस स्टिल डेट आईडीसी ने दी है दे कंप्लीटली आउट क्लास्ड गुजरात और आई फील के गुजरात द मोमेंट दे लॉस्ट द टॉस आई थिंक उनके पास कोई गेम प्लान नहीं था दूसरा दे थॉट अबाउट विनिंग द टॉस एंड बॉलिंग फर्स्ट आई फील लाइक दे आर इन अ मूड के हम बैटिंग इनको कराएंगे और एक टारगेट 150 60 70 पे रोकेंगे देन वी विल इजीली चेस डाउन दैट टारगेट मुझे ऐसा लगता है कि इनकी बॉडी लैंग्वेज चेंज होगी शोल्डर्स डाउन हो गए और ऐसा महसूस हुआ कि दे हैव ओनली वन गेम प्लान एंड दैट वाज टू विन द टॉस ऑफ टू बॉल फर्स्ट ऐसा मुझे फील आ रही है गुजरात इज ऑल ओवर द प्लेस नो डायरेक्शन नो कैप्टनसी नो कोचिंग नो टीम मैनेजमेंट डिसरे और कंप्लीटली जैसे पैक ऑफ कार्ड्स है ताश के पत्तों की तरह बिखरी हुई है गुजरात यही हाल था डीसी का लेकिन डीसी ने आहिस्ता और आज तो देखे ने जितना भी क्रेडिट डीसी को दे वो कम हो जाएगा क्योंकि आज डीसी और कमजोर थी फॉरन देखिए शाय होप जितना भी अच्छा है वो वार्नर नहीं है वो मिचेल मार्श नहीं है तो भाईजान बहुत बड़ी बात है कि आज डीसी ने आपको आपके डीसी के तमाम स्वयं समीर साहब के तमाम डीसी के जो हैं उन्हें मुबारकबाद अनुपम बहुत खुश होता है कि जब भी दिल्ली कैपिटल जीतती है और हमें पता है जब हम दुबई भी गए थे लास्ट ईयर मोहम्मद भाई के साथ नीली होती थी और पीली होती थी और दिल्ली होती थी तो दिल्ली कैपिटल का आके बार बार पूछता था अनुपम को तुम क्या चांस है दिल्ली कैपिटल का कोई चांस है हुकम जी तो चांस तो भाई जरा थोड़े वैसे शायद आप कोई दुआ शुआ करें कोई निकल आए आप लगे रहे मुन्ना भाई पाकिस्तान शुड वॉच आउट फॉर बेन शेयर्स गुड पेसर खेला यार उसको पाकिस्तान बेन शेयर्स को वो ज्यादा मुझे लगता है वो जो लड़का आया ना रॉबिन्सन इज अ वेरी गुड बैटर What more a DC fan wants? Today we won against last year finalist CSK and Gujarat Titan. मतलब दोनों को मतलब हरा champion और runner up को हराया. Delhi Capital ने जी हराया है CSK को. CSK को बहुत अच्छा match हराया था. Gujarat Titan का तो कीमा ही निकाल दिया. कर दिया. कुछ उम्र ही निकाल दिया. हुकम बस एक बार छपरी कप्तान से और फतेह हासिल करेंगे जी इंशाल्लाह यानी मुंबई इंडियंस को भी हराएंगे तो फिर खुशी में ये रिजवान साहब के लिए थोड़ी सी अच्छी बात नहीं है इसको ये कंसर्न नहीं है कि हम टॉप फोर में पहुंचे
हाँ ये पिछले दिनों भी पूछ रहा था और आज भी कि हम मतलब थोड़ा सा ऊपर तो फिनिश कर जाएंगे ना, ये 8वें 9वें नंबर पे से ऊपर ऊपर तो जाएंगे। तो मैं कहा हाँ ये काम हो सकता है कि तुम बहुत अच्छा खेलो तो 5वें 6ठे में जाके कहीं ना भाई, कहीं घूम जाओ। छठे पे आगे है या पांचवे आगे में? यार छठे पे दोनों में तो आगे है। आगे हैं, तो भाई छठे बोलना पे बोलना। बड़ी अचीवमेंट है, और दिल्ली थोड़ा मिसकैलकुलेट कर गया ये मैच, इन्हें 7 ओवर में मैं फिर कहता हूँ जीता, क्योंकि विकेटों से कोई फर्क नहीं पड़ता था, 2 ओवर आउट हो जाते, क्या फर्क पड़ता। हाँ बॉसेस आज लाल है SRH को हरवा कर फिर पक्का पक्का पी लेते पीना। हैं। ठीक है जी आप मजे करें। सो क्यूट डॉक्टर रिजवान भाई, बेस्ट विशेस। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। बस आपके सामने ही है, देखें वो ढूंढ के उसने पहुंच गई। अब रिजवान ढूंढ साहब, के आपका छुपना नामुमकिन है अगले उसकी दिनों में। माँ ने बताया कि वो तो कहीं बाहर गया हुआ है, कहते जिम गया है, कहीं पे गया हुआ है, लेकिन उसने जैसे ही कुछ अब माशाल्लाह से होगी थोड़ी बड़ी, अब वो दरवाजे के हैंडल ना खोल लेती है खुद से, तो अब होगी टेंशन। अब हमें बड़ा कॉशियस रहना पड़ता है, जैसे ही दरवाजे का वो हैंडल खोल के भाग के आ जाती है और फिर हम पीछे पीछे। और अब तो माशाल्लाह वो देखते देखते सीढ़ियां भी ऐसे ऐसे चढ़ जाती, तो ऊपर आके उस धक्का और आगे देख के बाबा तो मेरा यहाँ पे बैठा हुआ है। सो ये माशाल्लाह, यस शी इज क्यूट, थैंक यू वेरी मच रिजवान भाईजान, गुड टू सी माय क्यूट भतीजी, थैंक यू जी। अनुपम गौतम बहुत शुक्रिया जान आपका, आपके बाकी घर भी पे भी इंशाल्लाह एक आने वाला है मेहमान। हाँ, तो आपके लिए भी बड़ी नेक तमन्नाएं हैं और बहुत मतलब मजेदार टाइम दुआ गुजरता दुआ है बच्चों के साथ, बेटियों के साथ, तो थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। हाफ ऑफ IPL 2024 इज ओवर नाउ, प्लीज टेल विच टीम विल गो इन प्लेऑफ्स। आई थिंक SRH, KKR, दिल्ली कैपिटल एंड RR। मोहित साहब हाफ तो अभी वैसे चलो 2-3 मैच रहते हैं, तो मेरे तो 2 ऑफिशियल टीमें मैंने पिक की हुई थी और उसके साथ मैंने कोई हैदराबाद और बोले नहीं है राजस्थान। उसमें, अंदाजा लगाए, दोनों ही नहीं डाली इसने। नहीं, इसने मेरी वाली भी नहीं डाली और आपकी वाली भी नहीं हाँ डाली तो जी कह ऑफिशियल रहा हूं, मेरी वाली तो बेचारिया वो इस ना, वक्त तो यूं है, ना हवा आपकी वाली निकली हुई ऑफिशियल डाली है ना मेरे वाली ऑफिशियल टीमें डाली हैं। तो मेरी ऑफिशियल टीमें हैं मुंबई है। देखिए इंडियंस आपकी और CSK CSK। का तो रियलिस्टिकली चांस है, और MI का भी देखे, कल का मैच बड़ा इंपॉर्टेंट है, मुंबई इंडियन को अपनी अथॉरिटी शो करनी पड़ेगी। बड़ा गंदा ये आ रहे हैं, चेन्नई से इन्हें हाँ नहीं हारना चाहिए था लेकिन ये आ रहे हैं, और वो हार्दिक के 20 रन इन्हें मरवा गए एंड पे। धोनी लेट आया, अगर और करीब आता तो पता नहीं क्या होता। अब कल देखिए पंजाब जो है, पंजाब मेरी नजदीक तो बहुत अच्छी टीम है, लेकिन बात यह है कि भाईजान ये मुंबई इंडियन सबसे खौफनाक है व्हेन इट कम्स टू पावर प्ले, पावर हिटिंग, वो सबसे ज्यादा फायर पावर इन्हीं के पास है। थोड़ा सा दिमाग से खेलें, जीत सकते हैं पंजाब से। तो हाँ जी मोहित जी, वो ही मैं बात कर रहा था कि ऑफिशियल टीमें जो हैं 4, यानी 2 उनकी 2 मेरी, तो 3 तो उसमें से माशाल्लाह बहुत ही लेट डाउन कर रही हैं और बॉटम पे ही हैं। एक CSK बस अभी टिकी हुई है टॉप में। तो टॉप 4 में मैंने तो जो रखी थी चेन्नई और मुंबई इंडियन, चूंकि ऑफिशियल टीम थी, साथ में राजस्थान रॉयल्स और हैदराबाद, तो मोहसिन भाई ने अपनी 2 ऑफिशियल टीम्स के साथ साथ इन्होंने रखी थी मुंबई इंडियंस सनराइजर और सनराइजर, तो ये 4 टीमें इन्होंने रखी थी। एट द मोमेंट तो इट लुक्स लाइक कि राजस्थान रॉयल्स तो निकल गया ऊपर, अब 6 मैच जीते हुए 2 मैच और जीतने अगले 7 में से, तो उन्होंने तो अपना काम जाने पूरा कर दिया। हैदराबाद का कहा था तो हैदराबाद है अभी एट द मोमेंट टॉप 4 में, अच्छी टीम दिख रही है। कोलकाता नाइट राइडर्स लुकिंग वेरी डिसेंट, वेरी डेंजरस साइड, कल भी वो समझे के मैच नहीं गई था, दे लॉस्ट इट, और दे आर लुकिंग वेरी थ्रेटनिंग टीम एज वेल। तो राजस्थान, कोलकाता, हैदराबाद और किसी हद तक अभी आपको चेन्नई यहाँ पे जो फिक्स नजर आ रहा है, तो मेरे ख्याल में एट द मोमेंट जो 4 है इनके ज्यादा चांस एट द मोमेंट लग रहे हैं। वैसे तो जो बोला हुआ है तो बोला हुआ है, अब रोज रोज तो चेंज नहीं होता ना,
मुंबई का आप देखना ये है कि क्या वो अपनी आपको ऊपर लेके आ सकता है कि नहीं, बड़ा मुश्किल है। कल अगर हार गए ना तो मुंबई के चांसेस को बड़ा मैसिव धचका लगेगा। फिर अगले 7 में से कहां 6 मैच जीतेंगे, फिर तो कहानी बहुत खराब हो जाएगी। तो जैसे दिल्ली कैपिटल ने अपने चांसेस को आज थोड़ा सा इंप्रूव किया है, बल्कि बूस्ट नेट रन रेट को तो बड़ा, और अब 7 में से 3 फिर भी जरा रिस्पेक्टेबल सा दिखता है, देखने में थोड़ी सी रिस्पेक्टेबिलिटी वाली फीलिंग आती है यार, 7 में से चलो 3 तो जीते हुए हैं ना। तो अगर कल वो नहीं जीत पाएंगे अपना मैच तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा उनके लिए। और पंजाब और मुंबई दोनों एक ही जगह पे है कि 6-6 मैच खेल के 2-2 जीते हैं, सिर्फ 4-4 हारे हैं। लेकिन पंजाब की टीम बैलेंस है, ऐसा नहीं है कि पंजाब की टीम बैलेंस नहीं है, मतलब मुंबई भी बैलेंस है, पंजाब भी। मुंबई का मसला और है, पंजाब का ज्यादा मसला कप्तानी है। कोई माने ना माने उसकी मर्जी है, ये मेरी जाती राय है, पंजाब की टीम बुरी नहीं है। 147 पे भी जिस तरह सैम करन ने लड़ाई है टीम, नहीं अगर कोई क्रेडिट देना चाहता तो वो उसकी मर्जी है, फिर मैं क्या कह सकता। हाँ तो बाकी मोहित साहब, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन आई एम टॉकिंग टू यू, तो जो 4 टीमें टॉप पे हैं, मुझे वो ही मतलब एट द मोमेंट, तो मुझे लगता है केकेआर अंदर आएगी। केकेआर इज वेरी डेंजरस, वेरी वेरी डेंजरस, दूसरे नंबर पे। मैं एट द मोमेंट मैं समझ रहा था नहीं है, चार में नहीं पे है, चेन्नई और सनराइजर है, ये चार है एट द मोमेंट। ये लगता है, वैसे आपकी बात सही है कि ये 4 ज्यादा चांस है, मुझे लग रहा है शायद ये 5वें नंबर पे है। नहीं केकेआर तो दूसरे नंबर पे, उन्होंने अपना बनाई पक्की। नहीं, मुझे ऐसा लग रहा था, मतलब I didn't see the points table honestly। मोहसिन सर, हालांकि मैंने कब कहा था टेबल टॉपर में है, मैं भूल गया। दिल्ली कैपिटल का चांस यार, नोपन डांस देखे आज, जो ये मैच जीते हैं इतनी हल्की अपनी टीम के, इनकी टीम बहुत हल्की थी आज, और वो पूरी थी गुजरात की टीम, तो चांस तो भाईजान यू नेवर नो। देखिए अगर कोई टीम फंबल कर सकती है ना 4 में, वो ज्यादा चांस जो मुझे लगता है, अगर किसी को बुरा ना लगे, वो CSK का लगता है मुझे, शायद वो फंबल कर जाए, शायद एक जगह लगती है मोस्ट प्रोबेबली इन 4 में से जो खिसक सकती है। 3 का पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि वो किसी ना किसी तरह भाईजान पार हो जाएंगे, पॉइंट टेबल पे आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन वो 3 बड़े ही मुश्किल हो शायद के बाहर हो। बैक टू दिल्ली, फिरोज शाह कोटला में होंगे जी मैचेस, आशीष। हाँ वो अब होना ही थे आखिर में, फिरोज शाह कोटला नहीं, मेरा ख्याल अरुण जेटली नाम है अब उस स्टेडियम का। हाँ नाम चेंज किया उन्होंने, हाँ नाम चेंज किया इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ बाकी के मैचेस, हाँ आपके अब उधर हैं होम के, तो अच्छी बात है, इट्स नाइस। तो जी बाबर आजम साहब, प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे जो सवालात हुए हैं, एक तो ये कि जी ओपनिंग पे आप आएंगे या रिजवान आएंगे आपके साथ या सैम आएंगे, तो उन्होंने कहा कि जी कल ही पता चलेगा आपको, और फिर कहा कि कोशिश तो ये है कि यंगस्टर्स को चांस देंगे, तो इससे मुराद है कि हिंट आ रहा है कि शायद के सैम अय्यूब को मौका मिल जाए कि वो ही ओपनिंग करे साथ में। अब आइडियल सिनेरियो ये है कि इन दोनों को ओपनिंग करनी चाहिए, सायम और बाबर को, रिजवान को थोड़ा नीचे आना चाहिए, और इन दोनों की अंडरस्टैंडिंग भी बनी हुई है फ्रेंचाइज की तरफ से भी, इकट्ठे ही दोनों ओपनिंग करते हैं पिशावर जलमी की तरफ से, तो मेरे ख्याल में ये ज्यादा बेहतर रहेगा। और दोनों अच्छा एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट भी करते हैं। खैर ये सवाल हुआ, आप देखेंगे कल कौन आएगा बैटिंग करने के लिए। फिर उस्मान के बारे में बात हुई कि हाँ भाई वो आ रहा है, उसको ये वो, तो उस पर भी बातें कि हाँ जी अच्छी बात है, अच्छे प्लेयर आते हैं, टैलेंट बड़ा है, इनको मौका देंगे। नो नो, उस्मान का खिला आजम को दे, यू नेवर नो विद दिस PCB, कुछ बेहतर होगा। और 10-12 मैच हैं, 5 मैच तो ये हैं, फिर 3 इन्होंने आयरलैंड में जाके खेलने हैं, और 4 मैच यहाँ पे इंग्लैंड में इन्होंने खेलने हैं, और इन्होंने पहले नेदरलैंड भी जाना था, वो खत्म कर दिया, अब नेदरलैंड नहीं जाएंगे, तो 4 इनके मैच इंग्लैंड में, 3 आयरलैंड में, और 5 ये भी इन्होंने
जो भी टीम है न्यूजीलैंड की, कल हालांकि जो कोच हैं अभी अजहर महमूद साहब, वो कह रहे थे यार ये क्या होता है बी टीम सी टीम डी टीम, बस उस न्यूजीलैंड की टीम है साथ लगा हुआ है, उनके जो डोमेस्टिक के अच्छे प्लेयर हैं सारे उन्होंने अपने टैलेंट वाले भेजे हुए हैं, तो वो बात तो ठीक है न्यूजीलैंड ही लगा हुआ है, लेकिन इसके बी टीम सी टीम डी टीम अगर नहीं मैटर करता तो शाहीन बाबर आमिर इमाद रिजवान सारे तुमने क्यों रख दिए, नसीम वसीम तुम भी बी टीम ले आया है, तुम भी ए टीम ले आते हैं, ये कर लेते फिर नहीं, वो तो मानने को तैयार ही नहीं है कि वो ए टीम है, वो तो नहीं कहता है मान वो रहा तो उसे कह रहा था ना फिर तुम भी ना करो। तो क्या कि ये जी इंटरनेशनल मैच इंटरनेशनल होता है T20 में कुछ पता नहीं चलता ये वो, लेकिन कॉमन सेंस तो यही कहती है ना, जब उनके फर्स्ट चॉइस प्लेयर में से 10 बंदे आईपीएल में गए हुए खेलने के लिए, तो वो वाली दो इंजर्ड हो गए हैं 12 तो ये दो हो गए इंजर्ड हो हैं। गए हैं, तो पूरी की पूरी टीम बन जाती है यहाँ पे न्यूजीलैंड की, कि जो खेल रहे हैं मुख्तलिफ, कई बेंच पे बैठे हुए हैं, कईयों को मौका नहीं मिला, हाँ फिलिप्स को मौका नहीं मिल रहा, सैंटनर हाँ वो बाहर बेंच पे बैठा हुआ है, बाकी को मौका नहीं मिल रहा, फिर सैटनर बिल्कुल सही बात है, और गोसन को भी कल मौका मिला है। तो कल मौका मिला है, तो जो फर्स्ट चॉइस आपके 10 11 12 पूरी टीम जो है वो तो है नहीं, तो जो 3 4 नाम रिनाउंड है बाकी सारे नए आ रहे हैं, तो रियलिटी को एक्सेप्ट करना चाहिए ना, इसका जवाब ये होना चाहिए ठीक है हाँ उनकी फर्स्ट चॉइस फुल स्ट्रेंथ टीम नहीं है, तो हम भी जैसे उन्होंने अपने यंगस्टर्स को मौका दिया है, हम भी कोशिश करेंगे कि हमारे जो यंगस्टर्स हैं हम भी ज्यादा से ज्यादा उनको चांस दें, बजाय इसके कि नहीं जी ये बी टीम क्या होता है सी क्या होता है, वो न्यूजीलैंड उसके साथ नाम लगा हुआ है, न्यूजीलैंड भाई नाम तो लगा हुआ है लेकिन इसी न्यूजीलैंड के साथ अगर कोई लिख दे कि जी ये न्यूजीलैंड ए की साइड है, आइए आप भी अपनी न्यूजीलैंड पाकिस्तान ए स्टार्ट कर निकाल लें टीम, तो यही टीम उनकी न्यूजीलैंड ए भी बन जाएगी, क्योंकि प्लेयर तो ए वाले हैं सारे, तो ये पता नहीं क्या इस तरह की बातें क्यों करते हैं भाई, पूरी दुनिया को पता है कि वो वाली टीम बिल्कुल बच्चों वाली आ रही है, तो आपके कहने से क्या वो फुल स्ट्रेंथ बन जाएगी, ये जो स्क्वाड है जो टीम है न्यूजीलैंड की इसमें से कितने लोग उनके वर्ल्ड कप में जाएंगे, 3 4 या 5, तो इसका मतलब है कि 20 30% फुल स्ट्रेंथ टीम है, बाकी तो सारे उन्होंने नहीं भेजे हुए हैं ना, तो इसमें रियलिटी को एक्सेप्ट करने से कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाता, तो यही हकीकत है, बाकी देखो किसको मौका मिलता है किसको नहीं, पाकिस्तान तो काफी अच्छा तगड़ा स्क्वाड इन्होंने अनाउंस किया है, लेकिन जैसे वो अपने और ब्रेसवेल ने भी बोला है भाई कि हम पिछले साल भी आए थे तो इसी तरह की सिचुएशन थी, क्योंकि जाहिर है तब भी ये जब आए थे तो मेन प्लेयर इनके नहीं थे बीच में, तो कह रहा कोई बात नहीं हमने पिछले साल भी बड़ा अच्छा कम्पीट किया था, तो हम इस साल भी कम्पीट करेंगे और अच्छा करेंगे, आप देखते जाएं कैसे कैसे होगा हिसाब किताब, तो टेंशन नहीं लेनी आपने, वो तो डरा रहा है, वो कह रहा नहीं वी डिड वेल लास्ट ईयर टू एंड वी विल डू वेल अगेन दिस टाइम एंड यू विल सी, बड़ा मतलब एतमाद है मुझे इन लड़कों पे जो लेके आया हूँ मैं लीड कर रहा हूँ, और आपको कह रहा परेशानी यंगस्टर्स को होगी, चांस मिलना अच्छी बात है। हाँ अच्छी बात है जी यंगस्टर्स को चांस मिलना, तो देखते हैं, बाकी वो बीच में लड़ाई झगड़े की भी बातें हुई हैं उससे, बाबर से पूछा जी ऐसा कोई है कोई टेंशन वगैरह, तो उसने तो कहा ऐसा कुछ नहीं है ये वो कुछ ऐसी वैसी बात नहीं है, और कुछ एक दो सवाल अब और भी अच्छे अच्छे हो सकते थे, लेकिन बस खैर जो भी हुए यहाँ भी कैसा फील कर रहे हैं अभी दोबारा कप्तान बनने के बाद, तो उसका भी बस जो भी हल्का फुल्का सा जो जवाब दिया, और ये खैर कोई बताया नहीं उसने कि ओपनिंग कौन करेगा, वैसे क्या लगता है आपको कल कौन ओपनिंग करेगा, सैम और बाबर लेकिन वो जो जिद है बजिद है मौलवी साहब वो कहते हैं नहीं जी मैं तो ओपनिंग ही करूंगा, तो कप्तान नहीं है ना अब शाहीन, हाँ मेरा ख्याल मुश्किल है हो जाए, ओपनिंग सैम और बाबर करें, 3 पे रिजवान आ जाए, 4 पे उस्मान खान आ जाए, इससे नीचे उस्मान को भेजना ज्यादती होगी, उसने सारे रन ऊपर किए हैं आगे। हाँ नहीं जाहिर है अब इससे नीचे और कहाँ भेजना है, फिर तेज खेलने वाले ऊपर ही हैं, शादाब इमाद आमिर ये तो सारे खेलेंगे, आजम और मुझे उस्मान में से डर रहा है कि कहीं आजम को ना
पर्चे को ना खिला दें। माशाल्लाह अभी मैंने उसकी तस्वीरें भी देखी हैं रिजवान साहब, ये आर्मी की ट्रेनिंग के बाद तो 25 किलो वजन उसका मजीद बढ़ गया है टांगों पे सिर्फ। आई थिंक 3-2 पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड T20, शर्म से डूब मरना चाहिए मोहित दलाल साहब। अगर ये 3-2 हुआ तो फिर तो ये हार जाए तो अच्छा है। हाँ फिर 3-2 उधर ही चला जाए ताकि इनको कोई शर्म आए वर्ल्ड कप से पहले, वो नहीं आए। देखिए बात यह है कि इस तरह की टीमों से खेलने का कोई फायदा कोई बहुत अच्छा होता नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ये बात हम कई बार कर चुके हैं। अगर आप इनको 5-0 भी हरा देंगे तो लोग कहेंगे भाई क्या तुमने तीर मार लिया। फुल स्ट्रेंथ टीम लेके बच्चा टीम के खिलाफ खेल लिया, बच्चों को हरा दिया तुम लोगों ने 5-0 से, तो क्या इसमें आपको शाबाशी दें, क्या दें? और अगर आप हार गए तो लोग कहेंगे जी लख दी लानत। तो ना जीत में लोग अप्रिशिएट करते हैं और हार में तो बहुत ही बेइज्जत करते हैं। तो फायदा यही है कि आप भी 3-4 मेन बंदे रखे जितने उनकी टीम में होंगे, बाकी आप भी सारे अपने यंगस्टर्स डालें। क्या ठीक है भाई, यंगस्टर्स वर्सेस यंगस्टर मुकाबला हो जाए और जो आप भी देख रहे हैं कि आप फ्यूचर में रिप्रेजेंट करेंगे पाकिस्तान को, जिनकी उम्मीद लगाए हुए आप भी उनको चांस दें। स्क्वाड में वैसे तो आपने 3-4 नए 5 बच्चे डाले हैं, 3-4-5, तो उनको ज्यादा से ज्यादा को चांस दें आप कि ठीक है भाई अगर उनके सारे आईपीएल खेल रहे हैं तो हम भी अपने बच्चों को चांस देंगे कि वो भी न्यूजीलैंड के बच्चों के खिलाफ वही खेलें। लेकिन ये आप बड़ा दिल चाहिए ये सोचने, ये सारे अपने डाल देंगे बाबे बुब्बे सारे, तो 3-2 जो है ये शर्मिंदगी वाली बात है भाई। एक मैच का मार्जिन मिलना वो भी आइडली तो इनको सारे जीतने चाहिए, लेकिन वो चैपमैन जो है वो इनको पड़ जाते हैं। तो देखा जाए टेक्निकली स्ट्रेंथ वाइज ऑन पेपर तो ये सारे मैच ही इनको जीतने चाहिए, लेकिन चलो फिर भी एक मैच का कोई मार्जिन दे दो। T20 का खेल है कुछ पता नहीं चलता, तो एक मैच उनको, बाकी इनको एटलीस्ट 4 हर हाल में जीतने चाहिए। आई थिंक पाकिस्तान इंडिया लेस चांस इन T20 वर्ल्ड कप, ऑस्ट्रेलिया अगेन फेवरेट। ये तो जब स्क्वाड अनाउंस होंगे तो फिर पता चलेगा। T20 में ऑस्ट्रेलिया ने कोई बहुत अच्छा नहीं किया हुआ, हिस्ट्री यही बताती है, और अभी उनके घर में था वर्ल्ड कप, वो सेमीफाइनल के लिए भी क्वालिफाई नहीं कर पाए। डिफेंडिंग चैंपियंस थे अपने घर में, अटैकिंग चैंपियंस थे, इसमें कुछ नहीं कर पाए। तो इट्स टू अर्ली टू से, T20 इज अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर, और जरा स्क्वाड इकट्ठे हो जाए तमाम टीमों के, फिर वी विल एनालाइज कि कौन कहां पे खड़ा हुआ। लास्ट टाइम वैसे जब वेस्ट इंडीज में हुआ था तो फाइनल खेला था ऑस्ट्रेलिया ने, हमें ही हरा दिया था सेमीफाइनल में, बहुत हम खुश थे जीतने के करीब थे और एंड पे हार गए, 80 से छक्के खा लिए सईद अजमल, आमिर ने भी 16-17, इसके 18-19 जो खाए वो पूरी दुनिया को याद है। आमिर ने जो 17-18 दिए सेकंड लास्ट ओवर में वो किसी को याद नहीं। तो फाइनल खेला था ऑस्ट्रेलिया, हार गया था इंग्लैंड से, वन साइडेड मैच ही हार गया था 2010 में। तो वेस्ट इंडीज में अभी दोबारा है वर्ल्ड कप, तो देखते हैं कि क्या स्क्वाड अनाउंस हो जाए फिर बात करेंगे। तो अभी आपसे इजाजत चाहेंगे जी, काफी वन साइडेड सा ही मैच था, और फिर कल का जो मैच है स्क्वाड पाकिस्तान की चीजों को हमने पूरा आधा घंटा से ज्यादा दिया, रोंदू धोंदू एक्सप्रेस जो है। हाँ तो बाकी कल सुबह भी थोड़ा इस पे बात करेंगे। ख्याल रखें अपना, टेक केयर, बाय बाय, लाइक एंड सब्सक्राइब।